हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR और मैं आप सभी के साथ गौरी शर्मा इस वक्त आ पहुंची हूं सेक्टर 15 में। जी हाँ, बिल्कुल आप सोच रहे होंगे सेक्टर 15 में क्या करने पहुंच गई, तो बता दूं कि सेक्टर 15 में कम्युनिटी सेंटर में NCR इंफोटेनमेंट की कंपनी द्वारा, इवेंट्स कंपनी द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है विंटर कार्निवल, जो कि आप सभी के लिए लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग ज़रूर पहुँचें क्योंकि आप सभी यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करेंगे। अक्सर बच्चे हों या बड़े हों तो सोचते हैं कि 24 तारीख की क्रिसमस ईव होती है और 25 तारीख को क्रिसमस होता है, तो कहाँ घूमने जाया जाए। हम सब लोग घर में बैठते हैं और घर में बैठकर काफ़ी समस्या में होते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन हम लोग क्यों ना फरीदाबाद में ही कहीं घूमने जाएँ। फरीदाबाद में NCR इंफोटेनमेंट द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसका नाम है विंटर कार्निवल। यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, अंदर की ओर आपको लेकर चलूँगी और दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितना अच्छा ये इवेंट लगाया गया है। आप लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर पहुँचकर लुफ्त ज़रूर उठा सकते हैं। तो अंदर की ओर लेकर चलूँगी, अपने सहयोगी से बोलूँगी एक झलक अंदर की ओर दिखाए। पूरा जो इस वक्त ये कम्युनिटी सेंटर है पूरा चमक रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टॉल्स काफ़ी लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की साइड अगर नज़र जाए तो इस साइड स्टॉल है, सर्दियों के जैकेट्स हों, ब्लेज़र हों, मफलर हो उनकी। इस साइड नज़र जाएगी तो आपको ज्वेलरी दिख जाएगी, वहीं उस साइड नज़र जाएगी तो SSB का एक स्टॉल लगाया हुआ है। इस साइड दिखा दूँ कि इस साइड जो है पर्स की स्टॉल लगाई गई है, काफ़ी यूनिक पर्स रखे गए हैं। अगर उधर की तरफ जाएगी तो उधर की तरफ भी ज्वेलरी है। इस साइड की और दिखा दूँ एक बारी, तो इस साइड ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ज्वेलरी यहाँ पर रखी हुई है। सभी ज्वेलरी यहाँ पर हैंडमेड जो है बताई गई है। स्टॉल कीपर से बात कर लेते हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि ये जो यहाँ पर ज्वेलरी रखी गई है कितने दिन इसमें लगते हैं, कितना समय लगता है और क्या कुछ अनोखा है इनके पास। क्या नाम है? मैम सीमा नाम है मेरा। कहाँ से? मैं सेक्टर 7 फरीदाबाद से ही हूँ, बट मैं ये सारा स्पेशली फॉर कैलकटा, कैलकटा से हैंडमेड ज्वेलरी का कलेक्शन मैं यहाँ रिप्रेजेंट करती हूँ कुछ अपनी फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए। और मेरी इस ज्वेलरी को ना ऑलमोस्ट सभी लोग लाइक करते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ कई बार लगा चुकी हूँ एग्जीबिशन एकता जी के साथ, और यहाँ पर मैं ज़रूर अपना स्टॉल लगाती हूँ और लोग बहुत पसंद करते हैं। लाइक मेरे जैसे ये है, एलिगेंट सा पीस है, ये जो कलावा होता है उसके बॉल्स को बना के ये हमने हैंडमेड बनाया है अपने हाथों से, और इसके साथ हमने झुमकी का पैटर्न दिया है। ये हैंडमेड ज्वेलरी जितनी अच्छी ग्रेसफुल देखने में लगती है उतनी ही लाइट वेटेड है ये, और लोग पसंद करते हैं। लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं। कल क्रिसमस है तो और अच्छा आने की उम्मीद है। बिल्कुल, आपने यहाँ पर काफ़ी ज्वेलरी लगाई हुई है। अगर बात करूँ मैं सबसे यूनिक की, तो सबसे यूनिक क्या है इसमें और सबसे एक्सपेंसिव क्या देखने को मिलेगा? सबसे एक्सपेंसिव आपको हाइड्रा का पीस मेरे पास मिलेगा। ये हाइड्रा का पीस है, ये रियल हाइड्रा विथ पोल की सेट है, और ये 2000 का है, जो कि आजकल पार्टी वियर में इजीली आप इसको वियर कर सकते हैं। और हैंडमेड में अगर मैं यूनिक की बात करूं, तो हैंडमेड में मेरे पास ये स्पेशल है बंगाली पीपल का, ये होती है सिंदूरदानी, जिसको कि सुहाग की निशानी माना जाता है। ये उसको एक आभूषण के रूप में भी बनाया गया है और इसको पहनना बहुत लकी माना जाता है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी आपने बनाई हुई है। कितना समय एक ज्वेलरी को बनाने में लग जाता है एक बार लोग? मैम इसको डिज़ाइन करने में तो जब भी आप एक बार बैठेंगे तो डिज़ाइन करने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा तो चाहिए कि हमें इस तरह से लाइट वेटेड रखना है, अच्छे से अच्छे डिज़ाइन को बनाना है। फिर इसको मेक करने के लिए 1 मंथ का हमें टाइम चाहिए। 1 मंथ लगता ही लगता है, 1 मंथ लग जाता है। अच्छा, मैं बात करूँ फुटफॉल की, तो फुटफॉल कैसा देखने को मिल रहा है इस कार्निवल? फुटफॉल ऐसा है कि जैसे आज फर्स्ट डे है तो लोग आ रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं आ रहे हैं और विंडो शॉपिंग करके जा रहे हैं, बट वो लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। और कल और अच्छा आने की उम्मीद है, आज भी आ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं है, आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको घुमा रही हूँ और फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर अंदर की ओर दिखा दूँ कि अंदर की ओर कितना अच्छा पूरा ये देखने को मिल रहा है। अगर इस साइड में बात करूँ तो इस साइड पूरी साड़ियों की शॉप स्टॉल लगी हुई है और यहाँ पर साड़ियाँ इतनी सुंदर सुंदर रखी गई है। उधर की साइड अगर मैं एक बारी लेके चलूँ तो इधर की साइड आप जब अंदर से एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही आपको स्टॉल मिल जाएगी, और जब थोड़ा और अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर स्टॉल मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे कि बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, लड़कियों के लिए भी हैं। और अगर हम बात करें घर की, तो घर में भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें भी हैं। तो हमारे साथ मैडम मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनके पास यूनिक है और कितना जो फुटफॉल है वो देखने को। क्या नाम है मैडम? प्रिया नाम है। सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ क्या है? मैम आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ किड्स गिफ्टिंग,
और उसमें हम लोग किट्स से रिलेटेड हर चीज़ बनाते हैं, जैसे कस्टमाइज बर्थडे रिटर्न गिफ्ट हो गया, फेस्टिवल गिफ्टिंग हो गया, एवरीथिंग वी हैव. और इम्पोर्टेड आइटम है, मैं खुद का इम्पोर्ट करती हूँ, जैसे ट्रॉली है ये हमारा खुद का इम्पोर्ट किया हुआ है. तो सब कुछ हम पर्सनलाइज करते हैं बच्चों का. हमारा खुद का पेज भी है रेड रैबिट के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो आप लोग वहाँ पे भी आके हमें फॉलो कर सकते हैं. मैं अगर बात करूँ, आपके पास बहुत सुंदर सुंदर बैग्स बच्चों के रखे हुए हैं, तो सबसे अच्छा यूनिक और अगर बात करूँ सस्ता या फिर महंगा, तो दोनों जो हैं वो कौन सा? मैम देखिए, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ अ डफल ट्रैवल बैग, ये देख रहे हैं आप, ये बैग हमारा खुद का बनाया हुआ है. तो दिस इज़ जस्ट ओनली 4 रुपीज़ 350, 350 रुपये में आपको एक डफल बैग मिल रहा है बच्चे के लिए, जिसमें बच्चा आराम से अपना इंजॉय कर सकता है. कहीं भी ट्रैवलिंग पे जा रहा है, कहीं भी पिकनिक पे जा रहा है, तो वो बैग को कैरी कर सकता है. अच्छा, मैं बात करूँ फुटफॉल की, तो कैसा अब तक आपको क्राउड देखने को मिला है? क्राउड अच्छा है. देखिए अभी तो दिन शुरू हुआ है, तो धीरे 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 क्राउड अपने आप ही, मैं यहाँ पर शायद 4th time लगा रही हूँ और ये मेरा 5वीं बार है, तो वो शुरू में सबको लगता है कि अभी नहीं आया है क्राउड, तो धीरे धीरे ही आता है. देखो फुटफॉल आपने एकदम से लगाया, स्टॉल एकदम से तो कोई नहीं आएगा ना, धीरे धीरे ही आता है सब कुछ. अच्छा, कल तक कैसा फुटफॉल आने की उम्मीद है, क्या लगता है कैसी पब्लिक कब तक कल तक आएगी? आई थिंक पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतना क्राउड होगा. बिल्कुल, अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कर दें और ज़रूर सबको पता चल जाए कि यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर में जो है इस वक्त स्टॉल्स लगाई गई हैं और साथ ही विंटर कार्निवल लगाया गया है, क्योंकि बच्चे अक्सर जिद करते हैं कि 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, तो क्रिसमस पे घूमने जाना है, तो उसके लिए बच्चे जिद करते हैं और बच्चों को घुमाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं. और भी स्टॉल्स पर आपको घुमा रही हूँ, तो और भी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊँगी और साथ ही उनसे बात भी करेंगे कि क्या कुछ उनके पास यूनिक है. यहाँ पर जैसे स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यूनिक देखने के लिए लग रही है, तो इन मैम से बात कर लेते हैं कि क्या इनके पास खास है. मैम बरखम, आपने स्टॉल लगाई हुई है, किस चीज़ की स्टॉल? It's a spiritual store that we have kept, and if you see, we have live tarot parlor, graphology parlor, which is handwriting analysis. Then we have store for all the products that we are launching. Okay, सबसे यूनिक आपके पास क्या है, क्या लोगों को ज़्यादा मतलब पसंद आ रहा है? People are loving the candles. You can ask ma'am, she just liked it. And the potlies, I think people are liking it a lot. अच्छा, ये पोटलीज आप बता रहे हैं, तो इन पोटलीज में क्या क्या है? ओके, सो सिंपल है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमें कुछ ऐसा दो कि हमारी लाइफ में लव आए, हमारी लाइफ में प्रोटेक्शन आए, समथिंग वी कीप एट आर वर्क प्लेस, एंड बहुत सारा पैसा आए. सो मैंने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कल्चर को कंबाइन करके ये पोटलीज को बनाया है. गॉट देम हील्ड, इनमें राइट अमाउंट ऑफ राइट प्रोडक्ट्स हैं सबका, बट आई विल से डोंट ओपन देम बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत सारे पाउडर्स भी हैं, सब ओरिजिनल दैट आई हैव सोर्स्ड, एंड दिस इज़ नॉट प्राइजी एज वेल, सो पीपल आर रियली लाइकिंग दिस कंसेप्ट कि बस सिंपल लेना है, अपने सेफ में डाल देना है, अगर लव का है जस्ट कैरी इट अराउंड इन योर पर्स, तो ये एक है. एंड द इंटेंशन कैंडल्स. ओके, इनका पोटलीज का जो रेंज है वो कितना रखा हुआ है? सिंपल 201. कंफर्टेबल प्राइस आपने रखा हुआ है. ओके, आप मेरे को इन चीज़ों के बारे में बता रहे थे, तो ये कैंडल्स किस चीज़ के हैं और इनमें आपने क्या यूनिक डाला हुआ है? मतलब कैंडल्स तो बाहर मार्केट में भी मिलते हैं. सो वन थिंग विच इज़ यूनिक अबाउट द ज़ेनेस्त्री स्टोर इज़ हमारा पूरा स्टोर का एक एक प्रोडक्ट गंगा जल से क्लीन होता है. वी हील ऑल आर प्रोडक्ट्स इन पूर्णमाशी. आई एम अ हीलर माई सेल्फ, सो आई हील देम. प्लस आई आस्क माई सीनियर हीलर्स टू हील माई प्रोडक्ट, सो आई इन्वेस्ट मोर ऑन दैट एज वेल. कि मेरे यहाँ से आप एक सिंपल टॉफ़ी भी लेके जा रहे हो ना, तो वो भी एक गुड लक लेकर आए. सो द एक्स्ट्रा गुड लक दैट आई वर्क टूवर्ड्स, दिस इज़ माई मोडस ऑपरेंडी. दीज आर द इंटेंशन कैंडल्स. इट्स नॉट पैराफिन, इट्स सोए वैक्स. ऑब्वियसली आपके लंग्स को हार्म नहीं करेगा, 16 आवर्स रनिंग है. अब इसका स्पेशल बात ये है कि आप हीलिंग कराते हो, हम यज्ञ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी भगवान का यज्ञ करते हैं, हम अलग अलग सामग्री डालते हैं, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट की अपनी एक एनर्जी है.
आप मानते हैं कि उड़द दाल की अपनी एनर्जी है, आपके कैम्फर की है, क्लोव की है, इन सब की अपनी एनर्जी है। तो मैंने इनके जो ऑयल्स हैं उस तरीके से सेट किए हैं कि आपको वो एनर्जी 3-fold to 5-fold मिले। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ़ यू कैन जूम हेयर, यू विल सी आई हैव पुट सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ऑल द हर्ब्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स दैट आर रिक्वायर्ड। दिस इज़ फॉर मनी, दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन, दिस इज़ फॉर लव, दिस इज़ फॉर कामिंग, दिस इज़ फॉर रोड ओपनर। सो इस तरीके से इनको बनाया गया। दिस इज द न्यू लॉन्च दैट वी हैव। ओके, फुटफॉल कैसा देख रहे हैं, मतलब क्राउड कैसा आ रहा है और क्या लगता है कि कैसा क्राउड आने की संभावना है? सी, फर्स्ट द एम्बियंस इज रियली गुड, आई एम रियली हैविंग फन, माय स्टॉल इज वेरी वेरी स्पेशियस, लक ओके, एंड लोग आ रहे हैं एंड आई एम होपिंग अभी शाम की टाइम और ज़्यादा आएंगे। इट्स जस्ट आफ्टरनून, सो आई एम वेरी वेरी होपफुल, एंड प्लस कल क्रिसमस है, सो आई थिंक देयर विल बी अ ह्यूज अट्रैक्शन है। पब्लिक से क्या अपील करेंगे आप? आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम हेयर, क्योंकि रिक्वेस्ट इसलिए कि आप बस आ जाओ, बाकी आपका एक्सपीरियंस, एंड आई नो दैट योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, जस्ट गिव इट अ ट्राई। हम लोग इतना एफर्ट्स करते हैं, अपना स्टॉल सेटअप करते हैं, अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, वी आर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सो अपने आप को दिस इज़ अ मीडियम फॉर अस, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर अस, सो इफ़ यू गाइज सपोर्ट अस इट विल रियली मेक इंडिया ग्रो। बिल्कुल, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर कर दें, और ताकि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच चुके। लगातार मैं आपको यहाँ पर घुमा रही हूँ और स्टॉल्स दिखा रही हूँ, तो अंदर की और लेकर जाऊँगी। देख सकते हैं काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जो मतलब आप लोग यहाँ पर आकर वियर्स अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद सकते हैं। मैं बात करूँ सूट की, तो सूट भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। विंटर कार्निवल है तो ऑब्वियसली विंटर की ड्रेसेस यहाँ पर होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग लैपटॉप या फ़ोन्स ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं अगर बात करूँ कंबल की, तो यहाँ पर कंबल भी रखे हुए हैं और पूरी एम्ब्रॉयडरी एक सेट की हुई है। मैडम से बात कर लेते हैं, क्या नाम है मैडम? पूनम मेहंदी रहता। आपके पास सबसे अनोखा क्या, यूनिक? टॉल्स है हमारे पास, और हमारी ये बैटरीज बहुत अच्छी है। टॉल्स मैं दिखाती हूँ आपको, आई एम श्योर वो आपको बहुत कहीं नहीं मिलेंगे फरीदाबाद में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉल्स हैं ये। तो ये आप खुद बनाते हैं या? नहीं, ये वाली कंपनी सिर्फ फरीदाबाद में हमारे पास ही है। ओके, हाँ जी। अच्छा, पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? पब्लिक आए, एक बार देखे फिर तभी तो ही वो लेंगे ना, जब उनको पता चलेगा। तो बिल्कुल, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है देखने को मिल रही हैं। वहीं मैं आपको आगे की ओर लेकर चलूँगी। अगर मैं एक झलक इस साइड दिखाऊँ तो इस साइड भी काफ़ी अच्छे कुर्ते सूट्स रखे हुए हैं, जो आपको देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। वहीं अगर बात करूँ मैं एक बार इस साइड इस और जो है नज़र डलवा दूँ आप लोगों की, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, क्योंकि हम लोग जो है फरीदाबाद पॉल्यूशन में तो सबसे आगे, आप सभी को ही पता है, फरीदाबाद पॉल्यूशन में सबसे आगे, आप सभी को पता है। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में प्लांट हो पॉल्यूशन, ताकि कम हो और हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, जो पॉल्यूशन वाली हवाएं हैं वो हमें इफेक्ट ना करे। तो हमारे साथ मैडम मौजूद है, इनसे और जानकारी लेते हैं। मेरा नाम जसप्रीत है, मैं वैसे पीजीटी इंग्लिश हूँ, गीता पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, 25 ईयर्स से वहीं पढ़ाती हूँ। बट हॉबी है मेरी प्लांट्स की, मुझे लगता है कि प्लैनेट के लिए भी एक हेल्प है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं प्लांट्स, और ब्यूटीफाई भी करने के लिए, तो काफ़ी सारे पर्पस सॉल्व होते हैं प्लांट्स की वजह से। आपने बहुत सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है ये, तो मैं तो उसी पर्पस से ही देखती हूँ। आपने एक यूनिक तरीके से चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं और काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव रखी हॉबी है। इवन फ्लावर शो में भी टाउन पार्क में जब होता है तो मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला है, उसमें भी प्रेजेंटेशन की वजह से भी। और आप देखोगे कि नारियल वगैरह बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में भी, इवन मेरे बेटे को भी मैं वही सिखाती हूँ, और उसको भी ऑल ओवर इंडिया, मतलब नेशनल लेवल पर उसको ना फर्स्ट प्राइज भी मिला था, क्योंकि जो नारियल वगैरह जो हम पानी पीकर डाब पीकर हम फेंक देते हैं, तो जैसे उसमें मैंने ये नारियल में भी प्लांट्स लगाए हैं। तो इस तरह के जो भी सामान आप जो यूज़फुल, जैसे पाउडर के कंटेनर्स होते हैं, या जिसमें भी जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सब में, जूतों में, कपड़ों में, तो सब जगह पर मैं प्लांट्स जो है उनको प्लांट्स के लिए यूटिलाइज करती हूँ। मैम क्राउड कैसा देखने को मिला है?
क्राउड अच्छा है, होप फॉर द बेस्ट. मुझे लगता है कि वीकेंड पर इवनिंग में और संडे को ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. अभी तो वॉक इन कस्टमर्स अभी तो सब देख रहे हैं, तो अच्छा है. होप्स, वी होप फॉर द बेस्ट. मैं पॉजिटिव रिस्पांस की हम होप करते हैं. बिल्कुल, आपको आगे की और लेकर चलूँगी और यहाँ पर दिखाऊँगी. काफ़ी अच्छी अच्छी स्टॉल्स लगी हुई हैं यहाँ पर. कुर्तों की बात करूँ तो कुर्ते काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं. वहीं अगर मैं बात करूँ सूट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं. आगे की ओर देख सकते हैं पूरा जो इस वक्त कम्युनिटी सेंटर है काफ़ी अच्छा सजा हुआ है. वहीं आपकी एक नज़र इस साइड डलवा दूँ कि ये पूरी ड्रेस जो है इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर ड्रेस है. और साथ ही विंटर कार्निवल है, तो विंटर कार्निवल में विंटर की चीज़ें तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं ताकि ठंड से थोड़ा ज़्यादा बचाव हो सके. मैडम जो है उनसे बात कर लेते हैं. क्या नाम है? रमा जी. कहाँ से आए? चंडीगढ़ से. किस चीज़ की स्टॉल? क्लोथिंग की मैम. वो खास क्या है, यूनिक क्या है? मैम कस्टमाइज पीसीज होंगे हमारे पास डिफरेंट वेलवेट में, और इसमें सारे प्योर क्रेप के पीसीज होंगे. कस्टमाइज पीसीज यू कैन सी. अच्छा, मैं अगर बात करूँ प्राइस की, तो आपने प्राइसिंग क्या रखा हुआ है? सबसे महंगा और वेरी रीजनेबल. यू कैन सी दिस इज वेरी प्रिटी सूट्स. इसकी लाइट में ग्रीन मैम. You can see this one. These are the customer 45 ma. You can get color also ma. Different colors and so ma'am beautiful. Okay, crowd की बात करूँ तो crowd कैसा? Ma'am crowd तो ma'am अभी normal है. We can't say. Yeah. तो कल तक public से क्या appeal करना चाहेंगे? कल तक कैसा crowd देखेगा यहाँ पर? नहीं, कल तक तो लगता है कि hope है अच्छा क्राउड आएगा. और यहाँ पे अच्छी बहुत ही अच्छे बाहर से लोग आए हुए हैं. बहुत ही अच्छी अच्छी कलेक्शन है. अब डिफरेंट कलेक्शन यू कैन गेट हियर. बिल्कुल, मैं आपको पूरा जो है यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर घुमा दिया है मैंने आपको. पूरा एक नज़र में मैंने पूरा आपको दिखा दिया है. वहीं आपको एक नज़र इस साइड दिखा दूँ तो क्रिसमस ट्री यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर ढूंढते हैं कि उनको जो है क्रिसमस डे पे क्रिसमस ट्री के साथ फ़ोटो ना हो, तो क्रिसमस डे मानो बच्चों के लिए अधूरा होता है. तो आप लोगों से भी अपील करूँगी कि ज़रूर यहाँ पर पहुँचे और एक बारी इस कम्युनिटी सेंटर में पहुँचकर विंटर कार्निवल का मज़ा उठाएं और अपने बच्चों को भी लेकर आएं, ताकि वो भी यहाँ पर आकर अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सके और घूम सके. इसी के साथ अन्य खबरों से रूबरू कराती रहूँगी. जब तक के लिए ज़रूर जुड़ जाए न्यूज़ NCR के साथ.